पिछले कुछ समय से गुल्ली बुल्ली के गांव में स्त्री का आतंक फैला हुआ था और आज गुल्ली सोन और पिंकी गांव के मुखिया से इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। यार स्त्री ने कितने लोगों को अपना शिकार बना डाला है, मुखिया जी हमें कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारे मर्द इस गांव से गायब हो जाएंगे। जिस पर मुखिया बोलता है, बात तो तुम दोनों सही कह रहे हो, लेकिन स्त्री से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रात में मर्दों को बाहर निकलना बंद कर दिया जाए, और अगर बहुत जरूरी होने पर कोई मर्द अगर बाहर भी निकलता है तो उसे किसी भी औरत के छलावे में नहीं आना चाहिए। जिस पर पिंकी बोलती है, आपने सही कहा, और अभी रात बहुत हो चुकी है, हम सबको अपने अपने घर लौटना चाहिए। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ स्त्री को सरकटा से बात करते हुए देखते हैं। ये सरकटा इस गांव में नया आया था। वो स्त्री से कहता है, तुम गांव के सारे मर्दों को रात के समय अपने छलावे में लो और मैं दिन के समय गांव की सारी औरतों को अपने कब्जे में लेता हूँ। जिस पर स्त्री कहती है, हाँ तुमने सही कहा, और ऐसा करके हम इस गांव को खत्म कर देंगे। फिर सरकटा कहता है, रात तो हो चुकी है, जाओ अपने काम पर लग जाओ। फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अंधेरी रात थी जिसमें आज पूरी चांद की रात थी। यहां पर गुल्ली सोन और पिंकी अपने कमरे में एक साथ मजे से सो रहे होते हैं, लेकिन सोन सो नहीं पा रहा था। और वो इधर उधर करवटे ही बदल रहा था। और काफी देर करवटे बदलने के बाद वो बेड पर खड़ा हो जाता है और जोर से वो अपना पेट पकड़कर गुल्ली की तरफ मुड़कर बैठ जाता है और वो उसे देखने लगता है। जिसके बाद सोन गुल्ली को जगाता है, जिससे गुल्ली की आंखें खुलती है। क्या हुआ सोन, इतनी रात गए मुझे क्यों जगा रहे हो? जिसके बाद सोन के चेहरे का भाव बदल जाता है। गुल्ली गुल्ली, लग रहा है मैंने कल बिरयानी कुछ ज्यादा ही खा ली। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है गुल्ली, मुझे टट्टी लगी है। जिस पर गुल्ली कहता है, यार सोन इस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, जाओ किसी खेत में चले जाओ। सोन कहता है, अरे गुल्ली अगर रास्ते में स्त्री ने उठा लिया तो तुम अपने एक दोस्त खो दोगे। जिस पर गुल्ली कहता है, चिंता मत करो सोन, जब तुम हगना शुरू करोगे तो स्त्री तो क्या, कोई कौवा भी तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं फटकेगा, जाओ यहाँ से। गुल्ली ने सोन के साथ जाने को साफ मना कर दिया। अब सोन को अकेला ही जाना होगा। वो हाथ में लोटा लेकर खेत की तलाश में चल देता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, जय हनुमान जी बचा लो मुझे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे यार मैं तो हनुमान चालीसा भी भूल गया, अब मेरा क्या होगा, स्त्री तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं। और थोड़ी दूर आगे जाने पर सोन को एक मकई का खेत दिखता है और जब सोन टट्टी करने के लिए जगह देखकर बैठता है और आराम से टट्टी कर रहा होता है,
जिसमें उसे काफी सुकून महसूस होता है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर वो आगे की ओर देखता है। उसके सामने एक सुंदर सी औरत खड़ी हो जाती है और वो खड़े होकर सॉन को ही बुला रही होती है। वो औरत सॉन को अपने हाथों के इशारे से बुला रही थी और उस औरत को देखकर सॉन सम्मोहित हो जाता है और बिना अपना पिछवाड़ा धोए जब सॉन अपना कदम उस लड़की की ओर बढ़ाता है तो वह लड़की घूमकर वहां से जाने लगती है और सॉन उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक किसान के पिंजरे में सॉन बंद है और उसके सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी है और सॉन को इशारा कर रही है। कुछ देर बाद वही खूबसूरत लड़की का चेहरा एक काफी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि वही स्त्री है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथ साथ सरकटा भी है जो कि सॉन की तरफ बढ़े चले जा रहा है। दोस्तों अब क्या होगा, क्या सॉन को ये लोग मार डालेंगे, ये हम जानेंगे पार्ट टू में। और पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।